नमस्कार, ये तस्वीरें जहां आपको आधे लोग जो है पानी में डूबे हुए मिलेंगे। दरअसल ये तस्वीरें हैं हिसार शहर के सूर्यनगर अंडरपास के, जहां कल बारिश की वजह से पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से बवाल यहाँ मच गया है। और उसकी तस्वीरें जो है मैं एक बार दिखा दूं आपको कि पब्लिक जो है यहाँ इकट्ठी हो गई। दरअसल आपको बता दूं कि एक लोता रास्ता है जो है जल्दी से आपको सेक्टर 1-4 सूर्यनगर को जिंदल चौक से जोड़ता है। इसके अलग अगर किसी को जाना होता है तो 10 से 15 किलोमीटर घूम करके शहर में एंट्री होती है। ये एक लोता रास्ता है जहां से लोग गुजर करके जिंदल चौक पर पहुंच सकते हैं नजदीक। और यहां जो है ये अंडरपास बना दिया गया था और इस अंडरपास पर आप देख सकते हैं कि कितना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब तक जितने व्हीकल्स जो है यहाँ से निकले सारे खराब हो रहे हैं। अब ये देखिए कि लोग जो है किस तरीके से घुटनों तक, और आगे अब दिखाऊंगी आपको कि घुटनों से आगे तक जो है पानी के अंदर डूबे हुए हैं। सुबह से लगातार जो है यहाँ पर महफिल जमी हुई देख रहे हैं लोगों की, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जो है यहाँ पर खराब हो रहे हैं, वो गाड़ी खराब हो गई है। एंड इसके साथ ही आपको बता दूं कि सामने वो मेरी गाड़ी आप देख पा रहे हैं, दरअसल हम भी यहीं से गुजर रहे थे, हमें अंदाजा भी नहीं था कि पानी इतना गहरा है। और सामने जो है गाड़ी की नंबर प्लेट आप देखेंगे कि वो टूट चुकी है, साथ ही जो है गाड़ी के आगे से जो है मटगार्ड भी साइड से टूट गया है। राइट टायर से अगर आप दिखाएंगे तो मटगार्ड भी जो है वो टूटा हुआ है गाड़ी का, और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, बाइक्स व्हीकल्स खराब हो रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है आप ये देख लीजिए, मोटरसाइकिल कितनी देर पहले गाड़ी खराब हुई है सर आपकी? मेरे पौने दो घंटे हो गए, दो घंटे से खराब हो रखी है। आप यहीं से हैं कहीं बाहर से आए? यहीं से हूँ, पास से। हाँ। दूसरा अंडर पास से आया मैं, वहाँ से गाड़ी निकल गई थी। ठीक है, लेकिन ये वाला इतना बुरा हाल है इसका। हाँ। पहली बात तो बारिश है, इन्होंने 4 दिन पहले से बंद कर रखा था 1 महीने से अंडर पास। बिल्कुल, अभी 4 दिन पहले खोला, रात में इतनी बारिश हुई, सुबह प्रशासन बंद करना चाहिए था ये। ठीक है, तो अभी बंद करना चाहिए था। अभी ये नुकसान किसको हो रहा है इतना? ये आम पब्लिक को हो रहा है, कोई नहीं देगा ना पैसे इसके। हमारा नुकसान और हमारा टाइम खराब हो रहा है। दो घंटे से गाड़ी का हाल दिखाओ उनको, क्या हाल है? गाड़ी का हाल दिखाइए, क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। तो मतलब ये सूट लेनी चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, या रास्ता परमानेंट बंद करिए। अगर नहीं कर सकते तो इसको ठीक कीजिए, इतना मतलब गड्ढा रखने की क्या जरूरत है इसको। ठीक है, सुबह से कितने देर से आप यहाँ पे हो? दो घंटे से आगे जाना था। आगे जाना था। कितनी गाड़ियाँ खराब हो लिया? कम से कम 50। बवाल हो रहा पूरा? हाँ, पूरा बोल। मैं 75 साल का आदमी हूँ। मेरे को वहाँ लड़की को कोचिंग सेंटर में छोड़ के आना था, नहीं जा सके। कोचिंग सेंटर में छोड़ के आना था? हाँ, आकाश को कोचिंग सेंटर वहाँ छोड़ना था। ठीक है, अंदर गया वहाँ कॉलोनी के अंदर, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। हाँ। जगह जगह खड़े खुले हुए हैं, शिविर खुले हुए हैं। तो ये बताइए, इसका यहाँ से पानी के निकलने का कोई रास्ता है? नहीं, कोई नहीं है। 62 दिन हो गए, पहले बंद था ये। अब आया करते सूर्यनगर से, सूर्यनगर में तो सारे शिविर ही खुल गए, वहाँ पानी गोटा गोटा भरा पड़े, इसलिए हम तो बिल्कुल बंद हो गए। प्रशासन जो यहाँ, अब दोबारा आपको दिखाऊंगे, देखिए वो बच्चे आ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल एक बार जो है दोबारा से आपको दिखा दूं। ये देख लीजिए कि आधे से ज्यादा जो है मोटरसाइकिल डूब गए हैं पानी के अंदर। ये मोटरसाइकिल तो ये देखिए कि लगभग पूरा ही डूब गया है। और इसी तरीके से लोगों के व्हीकल्स, उनके मोबाइल फोन्स जो है खराब हो रहे हैं। वो देखिए मोबाइल फोन जो है उन्होंने हाथ में लगाया है। और अब ये देखिए कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो है, और ये देखिए क्योंकि ऊंचे व्हीकल्स जो है वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। और ये देखिए कि ट्रॉली जो है, ट्रैक्टर ऑलमोस्ट आधा डूब गया है, ट्रॉली जो है वो डूब गई है। ये देखिए तस्वीरें हैं हिसार शहर की, और ये तस्वीरें अंडरपास की हैं, जहाँ पर अंडरपास के अंदर जो है अब ये देखिए कि ट्रैक्टर जो है वो निकाला जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं हिसार की, जहाँ पर आप कितनी देर से बाइक, आपका भी बाइक खराब हुआ है क्या? कितनी देर पहले खराब हुआ है? 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए। कहाँ तक डूबा था बाइक? पूरा टंकी लगे, टंकी तक बाइक डूबा है। तो पहले पानी में उतरने से पहले अंदाजा नहीं था क्या कि कितना? अंदाजा नहीं था, सोचा था इतना ही होगा, पानी लिगड़ जाएगा।
तो आप मैडम, मैं रात को 12 बजे यहाँ से निकला था, जो रात को बरसात आई थी। हाँ। तो ये जितने सुराख हैं, ये सामने जो दिख रहे हैं जी, इनके अंदर से फुल पानी आ रहा था। जो भी पुल निर्माण कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उनको ये चाहिए कि अगर ये जो बाउंड्री तैयार हो चुकी है इसकी, हाँ। इस बाउंड्री के साथ अच्छे से मिट्टी लगा के इन छेदों को बंद किया जाए, जो कि पूरी गली का या पूरे मोहल्ले का पानी जो अंडर पास में आता है वो ना आए। और जो बरसात का पानी है, ये बरसात का पानी नहीं है ज्यादा, ये ज्यादा पानी गलियों का है कि जो गलियां भर के पूरा पानी गलियों का इसके अंदर आया है इन सुराखों से, उसकी वजह से ये ज्यादा भरा है। और अब ये भर चुका है, पर अब इसकी कोई मेरे ख्याल नहीं हल होगा इसका एक दो दिन तक, जब तक कोई से पानी निकालने के लिए यहाँ से निकलने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ा गया। रास्ता भी नहीं छोड़ा गया, जो नीचे एक हॉल रखते हैं कोई फुट 2 फुट बाई 2 फुट का, वो भी हॉल नहीं छोड़ रखा, वो भी बिल्कुल पक्का है कि जो कि पानी भरे तो जो जमीन में पानी जा सके, ये बात है जी बिल्कुल। तो ये बता दूं आपको कि सूर्यनगर फाटक जो पिछले कई महीनों से बंद था, कारण था कि भाई कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही थी, तो सूर्यनगर की वजह से के फाटक के नीचे से जो है लोग कई महीनों से दिनों से नहीं जा पा रहे थे। तकरीबन 60-62 दिन के करीब जो है ये पुल बंद रहा, और उसके बाद जो है 3 से 4 दिन पहले ही जो है इस पुल को खोला गया था, और इस पुल के खुलते ही बारिश के मौसम में अब ये हाल है। और अब मजे की बात आपको बताती हूँ कि ऊपर जो है सूर्यनगर फाटक के दीवार निकाल दी गई है, क्योंकि जो है मोटरसाइकिल से जो है गुजरने वाले लोग हैं अक्सर जो है वो फाटक पे से निकल जाया करते थे। अब मुश्किल इन लोगों को ये है कि मान के चलिए ये साइकिल है, अब इसे 10 से 15 किलोमीटर घूम करके जिंदल चौक जाना होगा, क्योंकि सामने जो है वो दीवार निकाल दी गई है। चलो गाड़ियां तो फिर भी घूम करके निकल जाती है, अब जो ये आम पब्लिक है जिसे जो है रोजमर्रा के काम के लिए जाना होता है, अब 1 किलोमीटर की बजाय 10 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। डेली का फ्यूल एक्सपेंस जो है अब इन लोगों को बेयर करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है अब जी बिल्कुल ये बात सच है कि तैर के ही जो है पार हो रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स जो है तैर करके ही जो है इसे पार किया जा सकता है, क्योंकि व्हीकल्स तो सारे के सारे बीच में बंद पड़ रहे हैं। ये मोटरसाइकिल है, वो गाड़ी है, सारी की सारी आप देख सकते हैं कि कितनी देर से स्टार्ट नहीं हो रही। और ये बुलेट है, जो बुलेट लेकर के आए हैं वो भी देख लीजिए कि भाई बंद पड़ रहा है। और ये एक तरीके से अपडेट आपको दिखा रही हूँ शहर की, खासतौर से सूर्यनगर फाटक की, कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बंद है रास्ता, और पानी की वजह से जो है व्हीकल्स लोगों के लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बुलेट जो है वो खराब हो गया है, और अब उस पर लगातार जो है किक मार के उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए अब ये अंडरपास जो है बच्चों के मस्ती करने की जगह बन गई है, क्योंकि गाड़ियां तो यहां से क्रॉस नहीं हो पा रही हैं, बाइक्स क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। सामने आप देखेंगे कि ऑलरेडी पानी के अंदर एक जो है ड्राई व्हीलर जो है वो खराब हो चुका है, पानी के अंदर जो है वो खड़ा हुआ है बीचों बीच, और यही हाल है पूरे अंडरपास का। और ये एक सिर्फ एक नहीं, क्योंकि इसके साइड में जो अंडरपास है उसका भी यही हाल है। और सुबह से जो है लोग खड़े होकर के इस तरीके से गाड़ियों के आने जाने की आवाजाही देख रहे हैं लोग, इनके जो है लोगों के लिए एक टाइम पास का साधन अब ये अंडरपास बन गया है, क्योंकि पहले ये रास्ता हुआ करता था जो बारिश के बाद बंद हो गया है। हालांकि क्योंकि प्रशासन जो है ये जो PWD एंड ऑल जो अंडरपास का जिसका भी निर्माण का ठेका है वो पहले इस वजह से बंद था क्योंकि यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अब ये 3-4 महीने इस वजह से बंद रहेगा क्योंकि बारिश का मौसम है। तो कुल मिलाकर के अंडरपास की करोड़ों रुपए की लागत अब न जाने कब जाकर के लोगों के काम आएगी। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि कोई भी इस जगह से आने की प्लानिंग अगर कर रहे हैं, यहाँ से गुजरने की अगर सोच भी रहे हैं आप, तो आपको बता दूं कि यहाँ से सोचना भी मत गुजर जाएंगे, क्योंकि व्हीकल जो है आपका पानी के अंदर ही खराब होने वाला है। और ये तस्वीरें जो है आप हिसार शहर से देख रहे हैं, हिसार शहर के सूर्यनगर फाटक के अंडरपास की देख रहे हैं। मत जाना भाई इधर से,
आप छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिली के साथ आपको क्या लगता है? तो ये तस्वीरें यहीं तक और लगातार जो है सिलसिला अपडेट्स का जारी रहेगा, देखते रहिएगा सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।